हेलो बच्चों, तो होपफुली आपका नीट का जो प्रिपरेशन है वो अच्छा चल रहा होगा और आपका जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ा बूस्ट करने के लिए एफिनिटी क्लासेस एक फार्मूला सीरीज ला रहा है। ये फार्मूला सीरीज आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और ये कैसे आपको बेनिफिट्स पहुँचाएगा, कैसे आपके एग्ज़ाम में मार्क्स बढ़ेंगे, तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारे फिजिक्स टीचर के साथ। वो बताएंगे कि ये सीरीज कैसे आपके लिए बूस्टअप होगा। तो सर, ये जो सीरीज है हम लोगों का, ये जो फार्मूला सीरीज है, ये बच्चों को कैसे बूस्ट करेगा, मतलब उसके प्रिपरेशन को कैसे ये और इन्हेंस करेगा? तो सर, क्या होगा कि फार्मूला जब बच्चों को याद होगा, जब उस फार्मूला दिखेगा तो उसको याद हो जाएगा फार्मूला। तो कोई भी सवाल आता है नीट में, जनरली 95% डायरेक्ट फार्मूला में सवाल आता है, तो बच्चों क्या करेंगे, फार्मूला देखें, डायरेक्ट प्रॉब्लम बना सकेंगे और उसमें क्या होगा, कम समय में बना सकेंगे, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो सर, क्या इस सीरीज़ में हम लोग हर चैप्टर के ऑल फार्मूलाज कवर कर पाएंगे? हाँ, ऑफ कोर्स हम लोग हर एक चैप्टर को इसमें कवर करेंगे और ईच एंड एवरी फार्मूला हम लोग यहाँ पे उनको सिखाएंगे। ओके, ताकि बड़े आराम से वो नीट का सवाल को क्रैक कर सके। मतलब बच्चों, आपके लिए हाँ, बहुत एडवांटेज ये है कि आपके चैप्टर्स के सारे फार्मूला आपके सामने आएंगे एक बार। तो अगर आप एक बार फार्मूला सामने जब आएंगे तो अगर आप इमेज उसको देखोगे तो आपको ये श्योर है कि आपके फार्मूला और भी स्ट्रांग होंगे और भी लर्न ज़्यादा कर पाओगे आप, तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स ये इंक्रीज कराएगा नीट में। तो ये जो सर जो फार्मूला सीरीज होगा, मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं कि इस सीरीज से बच्चे अपने कितने मार्क्स को और इंक्रीज कर सकते हैं? जैसे कोई बच्चा फिजिक्स में मान लीजिए कि 50 या 60 मार्क्स ला रहा है अभी, तो सर इस सीरीज के बाद क्या उसका मार्क्स कितना इंक्रीज कर सकता है? तो मेरे हिसाब से कम 50, मतलब और 50 इंक्रीज हो जाएगा, 50 मार्क्स बढ़ना चाहिए इसे, बढ़ना चाहिए, हाँ, इसे इंक्रीज हो जाएगा बच्चों का। और सर, नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे नॉर्मली उन लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि जो भी क्वेश्चंस आते हैं नीट में वो सारे कॉन्सेप्चुअल आते हैं, क्या ये ट्रू है? हाँ, ये सही है, कंसेप्ट बेस्ड आते हैं, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। फार्मूला देखो, कंसेप्ट लगाओ, ट्रिकी क्वेश्चन हो तो क्या सर, हम लोग फार्मूला के साथ जब फार्मूला हम लोग कराएंगे बच्चों को, तो क्या साथ में हम लोग ये भी बताएंगे कि इस फार्मूला का यूज कैसे करना? हाँ, ये तो बताना ही पड़ेगा, तब जाके बच्चा डॉक्टर बन पाएगा, तो इसके लिए एडवांटेज होगा। हाँ, बहुत एडवांटेज होगा उन लोगों के। तो चलिए सर, मिलके हम लोग कुछ करते हैं बच्चों के लिए, बच्चों के लिए तो ठीक है। बच्चों में